अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने कुछ ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट्स डालने का मैंने बताया था आपको कि हम उसको अपनी वीडियो में कैसे शामिल करते हैं। इसी की कंटिन्यूशन में नई वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं एंड स्क्रीन में वीडियो लिंक्स कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। वेलकम टू माई फैमिली व्लॉग, अपना व्लॉग। मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि जी आप जो वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन लगाते हैं और उसके अंदर अपना लिंक लगाते हैं वीडियो का, किसी दूसरी वीडियो का, ये कैसे लगाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के अपने तमाम यूट्यूबर्स को बताऊं और नए आने वाले जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बताऊँ कि ये इसको हम एंड स्क्रीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर वो जो वीडियो मैं लगाता हूँ वो कैसे लगाते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा और वहाँ पर भी मैं जाके आपको बताता हूँ कि हम ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं अपने आप को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो जनाब अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम उस एंड स्क्रीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वही फिल्मोरा ओपन करता हूँ। तो जनाब मैंने अपना फिल्मोरा ओपन किया और इसमें ये तीन चीज़ें इंसर्ट कर ली हैं, एंड स्क्रीन और एक छोटी सैम्पल वीडियो और एक साउंड इफेक्ट। अब मैं इसको तैयार करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइम लाइन में भी इस वीडियो को लेकर आऊँगा। हमने रेजोल्यूशन यही रखनी है 1920 और 1080 वाली। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हम लंबी वीडियो बना सकें। 40 सेकंड की तकरीबन वीडियो बन गई है। उसके बाद मैं इसमें साउंड इफेक्ट डालता हूँ। साउंड इफेक्ट हम इसकी दूसरी लेयर में शामिल करेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे ये मेरा ये कटर है यहाँ पे मैं रख के इसको काट देता हूँ। बाकी यहाँ हम क्रॉप कर लेते हैं इसको, हम अपने साउंड को क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद ये फालतू डिलीट कर देते हैं। मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ, देखें इसमें हम कैसे इसको यूज़ किया है। तो जनाब ये सैंपल वीडियो तैयार कर लिया और इसके एंड में हम ये अब एंड स्क्रीन लगाने लगा हूँ मैं। ये मैंने एंड स्क्रीन लगा दी है। इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट करूँगा मैं, क्योंकि जो भी हम वीडियो का लिंक वगैरह देना है तो वो यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, उसको हम यूट्यूब में जब अपलोड करते हैं तो वहाँ पर ही मैं दूँगा। लोकेशन बाई डिफ़ॉल्ट डेस्क टॉप की आ रही है, माई सैम्पल वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसे हम क्लोज करते हैं और इसको मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पर होगी। मेरे डेस्कटॉप है, अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा चैनल है, इसमें फ़िलहाल कोई यूज़र है ना कोई वीडियो है। इसमें हम सिंपल राइट साइड पे ये जो क्रिएट के लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने पाथ दिया तो ये साथ ही अपलोड होने शुरू हो गई है। और देखें ये जो मैंने वीडियो का नाम रखा था वही इधर आया है, इसलिए इसका जब हम वीडियो का नाम रखते हैं तो ज़रा बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। ये तीन चार चीज़ें हैं जो एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा आपका थंबनेल और चौथे आपके टैग्स। और यहाँ पे हम टैग्स की एंट्री भी कर सकते हैं इन जगह पे, ऐड टैग्स, इसे हम हैशटैग भी कहते हैं, टैग्स भी कह सकते हैं। और हमारी वीडियो अपलोड हो रही है जी, तो जब वीडियो अपलोड होती है मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये अभी वीडियो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। अब अगर हम इसमें देखें ऊपर हमारे पास ये चार किस्म की चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये डिटेल आ रही है जो वीडियो की डिटेल है, जिसका मैंने कहा था कि बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा इसके, जैसे ये थंबनेल वगैरह है या जिस जो इसके टैग्स वगैरह जो हमने लगाने हैं वह मैं चीज़ें बाद में बताऊँगा। यहाँ पर एक चीज़ कर देते, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। दूसरी चीज़ आ जाती है ये वीडियो एलिमेंट्स, हम इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है जी।
वीडियो एलिमेंट्स में ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि एड एंड एंड स्क्रीन, ठीक है, कि हम इसके एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। ऐड कार्ड्स हैं, कार्ड्स वो होते हैं जो हम किसी भी वीडियो का लिंक देते हैं और यहाँ पर एक आई बटन बन जाता है, आई बटन बनने में उसका एक लिंक अपीयर होता है। तो खैर ये भी एक अलग चीज़ है, मगर हम जो फोकस कर रहे हैं वो है एंड स्क्रीन पे। एंड स्क्रीन को हम यहाँ पे करते हैं ऐड। अब चूँकि ये देखें जी, इसमें कुछ इन्होंने टेम्पलेट्स दे दिए हमें कि बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप इसमें क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मिलता जुलता है जो हमारी स्क्रीन से, एंड स्क्रीन जो हमने लगाई है उससे मिलता जुलता है। सो इसे हम एडअप करते हैं। ये देखिए, ये देखें इसके मुताबिक आ रहा है। मगर अब ये देखें, इसमें इन दो वीडियोस को इधर लाएंगे और इस जो चैनल का लोगो है उसको मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आता हूँ। ये देखें, ये यहाँ आ गया, ये वीडियो इस तरफ आ गई और ये वाली वीडियो भी इस तरफ आ गई। चला के देखते हैं जी, ये देखें कुछ इस किस्म का ये हमारे पास आ गया। इसको खैर अगर हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बनाई हुई स्क्रीन के मुताबिक। ये देखें, इसको मैंने किया, ये भी आ गया। तो जनाब ये है एंड स्क्रीन, और एंड स्क्रीन में हम इस तरह कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास कोई वीडियो और नहीं है इसलिए इनमें कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है जी, बेस्ट व्यू जो वीडियो है आपके चैनल की वो यहाँ पर शो होगी, मगर चूंकि अब मेरे पास वो कुछ है ही नहीं तो खैर मैं इसको और स्पेसिफिक वीडियो करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपना व्लॉग सर्च करता हूँ जिससे रिलेटेड मेरी ये कुछ वीडियो सामने आ रही। ये है टी इज़ फैंटास्टिक, मेरी एक बड़ी अच्छी वीडियो है, ये भी ज़रूर देखिएगा। और इस जगह पे भी मैं, ये इन्होंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को मैं एडिट करता हूँ। अपना व्लॉग का मैं एक प्लेलिस्ट ले लेता हूँ यहाँ से। चलें जी, मैं ये सोशल का एक लिंक लगा लेता। तो जनाब ये मैंने अब इसके ऊपर अमानुल्लाह खान के सोशल का एक प्लेलिस्ट भी लगा दी है और ऊपर अपनी वीडियो भी लगा दी है। सिंपल अब हमें इसको सेव करना है। सेव करके देखते हैं जी इसके ऊपर क्या असर अंदाज होती है ये चीज़। अब इसके बाद ये कुछ चेक्स आएंगे, असल कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ऐसा, तो इन्होंने टिक कर दिया क्योंकि हमारी वीडियो में कोई ऐसा मसला नहीं है। सो इसको भी नेक्स्ट करते हैं। विजिबिलिटी हमेशा ओपन होती है मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे मोनेटाइज्ड चैनल है उसके अंदर अनलिस्टेड आ रही होती है। अगर हमने इसको पब्लिक पे रखे करना कि जी हमारी वीडियो ये पब्लिक हो जाए जैसे ही हम इसको अपलोड करें, नेक्स्ट करेंगे तो हमारी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसको शेयरिंग के कुछ ऑप्शन हैं, आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको वीडियो को चला के देखता हूँ। ये देखें अब इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए इसकी एंड स्क्रीन हम देखते हैं, एंड स्क्रीन में क्या चीज़ आती है। तो जनाब ये देखिए बिल्कुल हमारी फिटिंग बहुत हद तक बेहतर आ गई है, हमारी वीडियो भी आ गई और इसमें ये प्लेलिस्ट का लिंक भी आ गई है। देखें इसके ऊपर हाथ सा बन जाता है, इसका मतलब है ये लिंक होते हैं, किसी न किसी चीज़ पे ये लिंक है, ये हाथ सा बन गया है। हम इसको पीछे पॉइंटर को करेंगे तो ये पॉइंटर सिंपल बन जाता है। तो ये चीज़ है जी, ये इस चीज़ को, इस चीज़ को हम देखते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और हमारी वीडियोस में ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉज करता हूँ, देखते हैं। और
ये हमारी वीडियोस में होनी चाहिए। इससे हमारी वीडियोस दूसरी वीडियोस का जो लिंक्स हैं या व्यूज़ हैं हम उससे बढ़ा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर लगाया करें इस चीज़ को, और काफ़ी हद तक आपको भी इंशाल्लाह समझ लग गई होगी कि ये चीज़ कैसे बनाते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि एंड स्क्रीन क्या होती है, इसको कैसे लगाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इससे हम अपनी वीडियोस के व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी मुझे ज़रा कमेंट्स करके भी बताएं, और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और इसी तरह मेरी वीडियोस भी देखते रहें। और अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं आपको नई टेक्निक्स के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी।